नमस्कार दोस्तों, और आज बहुत प्यारी सुबह है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, बारिश हो रही है और ये खूबसूरत से अपराजिता के बहुत सारे फूल खिले हैं। आज मेरा टॉपिक है अपराजिता कैसे लगाएं और इसकी केयर कैसे करें। मैं हूँ तृप्ति आपके साथ और आप हैं मेरे चैनल नेचर माई लव पे। और आज मौसम बहुत प्यारा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी और बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। ये देखिए, इसके साथ सेम की बेल भी लगी है और ये एक पेड़ है बड़ा, इस पर मैंने ये अपराजिता का पौधा था जो उस पर लगा दिया था। तो ये अपराजिता की बेल इस पर फैल गई और वैसे तो ये काफ़ी हार्ड होती है इसकी लकड़ी। ये देखिए, ये कितनी मोटी हो गई है। ये पिछले साल की है, मैंने इसकी कटिंग कर दी थी विंटर में। वैसे तो ये साल भर फूल देता है ये पौधा, लेकिन ये लता इस तरीके से आपको ये दिखेंगी। ये एक लता है। अगर आप इसे एक पेड़ का रूप देना चाहते हैं तो आप इसकी समय पर इसकी कटिंग करते रहें तो ये थोड़ा सा बुशी हो जाएगा, अगर आप इसे बेल की तरह नहीं लगाना चाहते। वैसे ये आप अपनी क्यारियों के किनारे जो आउटडोर बनाना चाहते हैं तो उसमें ये बहुत खूबसूरत लगती है, और अगर अच्छे से इसे आप दीवार पे किसी के सपोर्ट में अगर चढ़ाएं तो भी ये बहुत खूबसूरत लुक देगी। इसके फूल बंचेस में आते हैं, ये देखिए ये इस तरीके से, और मैं और आपको दिखाती हूँ। इसके सेम की बेल भी चल रही है तो मैंने इसको निकाला नहीं है, इनका थोड़ी सी इसका मॉइस्चर इसको मिलता रहेगा, पर ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो मुझे थोड़ी सी इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। और इसके फूल अब खिलने शुरू हो गए हैं, और देखिए, और ये देखिए, ये है अपराजिता के पौधे। ये सीड्स अभी मैंने 7-8 दिन पहले ही डाले थे तो देखिए ये निकल आए, और कुछ तो इसमें से खुद ही निकल आए थे अपना, जो मैं इसे निकाल चुकी हूँ, लगा चुकी हूँ। और ये देखिए ये और फूल देखिए आप कितने सारे हैं, पूरा चारों तरफ से कवर कर लिया। ये पेड़ पर फैल जाती है बहुत अच्छे से, पूरा खूबसूरत से फूल इस पर पूरे पेड़ पर बन जाते हैं। और एक और इसका पौधा है, ये देखिए अपराजिता का, और ये मैंने ऐसे ही इसमें सीड्स गिर जाते थे तो ये उसी से होगा। कुछ मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स मैं इसमें से निकाल चुकी हूँ। और इसकी कोई विशेष देखभाल नहीं है, बस इसको आप बहुत ज़्यादा धूप में ना हो ये, और अगर ये ग्राउंड में है तो धूप में भी चलेगी, कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसे रोज़ पानी दें। थोड़ी सी चिकनी मिट्टी इसके लिए होनी चाहिए, कोई खाद कोई कंपोस्ट किसी चीज़ की आवश्यकता ऐसे नहीं है विशेष। अगर आप गमले में इसको लगा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अन्यथा ग्राउंड में तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसको हम अपराजिता, शंख पुष्पी, विष्णुकांता, इन सभी नामों से जानते हैं। और इसके दो रंग पाए जाते हैं, एक ये जो आप देख रहे हैं नीला और एक सफ़ेद, और इन दो ही रंगों में इसकी एक वैरायटी और आती है डबल, जिसमें फूल थोड़ा सा 3-4 पत्तियों वाला होता है। और ये एक पूरी तरीके से हर्बल प्लांट है, इसके पत्ते, इसके फूल, इसकी जड़, इसके बीज, और ये इस तरीके से इस पर एक फली बनती है और इसमें इसके ये सीड्स होते हैं। और फूल से ज़्यादा इस पर ये फल बनना शुरुआत हो जाती है इसकी, जब थोड़ा सा ही जैसे ही ये मैच्योर होगा आप देखेंगे कि इस पर बहुत सारे ये फली लगती हैं। तो अगर आपको ये फलियाँ हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हम इनका क्या करेंगे, तो इनको तोड़ते रहिए तो फूलों की तादाद आपके यहाँ अच्छी रहेगी। और पानी का विशेष ध्यान रखिए, थोड़ी सी गोबर खाद इसमें आप दे दीजिए। ये पिछले साल की हैं तो कुछ पत्तियाँ इस तरीके से, यहाँ एक जो और सेम की बेल लगी है इस पर कीड़े ने अटैक कर दिया था तो उसकी वजह से इसके भी कुछ पत्ते, इस पर कोई मैंने बीमारी नहीं देखी, कोई रोग मैंने नहीं देखा। और ये इसके सीड्स हैं जो थोड़े से मैच्योर हैं, आप उन्हें लगाएं, अभी लगा दें कोई बात नहीं है, अप्रैल में ये हो जाएंगे, लेकिन ये मई जून में बहुत जब गर्मी पड़ेगी तो जब जर्मिनेट नहीं होंगे, क्योंकि बहुत हार्ड होता है ये सीड।
और ये बरसात के मौसम में तो ये बड़ी ही आसानी से उगाएगा, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे किसी गमले में आप इनको डाल दें जहाँ मॉइस्चर बना हो और तब ये सीड्स उगाएंगे। अगर आपके आसपास कहीं ये पेड़ लगी हो तो आप उस पर से ये सीड्स ला के रख लें या उनसे कह दें। बहुत सारा बीज आता है और ये फूल आने की शुरुआत होती है तभी ये बीज आना शुरुआत हो जाती है, और थोड़ी सी गहराई में इन बीजों को दबा दें। ये बहुत हार्ड होता है, काफ़ी हार्ड होता है, इसलिए इनको जर्मिनेट होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो 7-8 दिन लग सकते हैं इसको जर्मिनेट होने में या उससे भी ज़्यादा, लेकिन ये अगस्त के महीने में बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाएगा। और इसके अगर आपने ये सीड्स अभी नहीं लगाए हैं तो आप इन्हें अगस्त में ज़रूर लगा लें और ये अगस्त में ज़रूर ग्रो हो जाएंगे। और इसके बारे में बताऊं तो ये भगवान शंकर पे ये फूल चढ़ाया जाता है, उनकी पूजा में आता है। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसको ज़रूर लगाइए आप अपने गार्डन में। और ये साल भर लगा रहता है, और अगर आप क्यारी के मतलब आउट उस पर लगाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छे से फैलता है इसकी पत्तियाँ। और अगर आप इसे पौधे का रूप देना चाहते हैं तो समय समय पर इसकी कटिंग करते रहें और इसे आप गमले में लगाएं तो ये इतना बेल का रूप नहीं लेगा, उस तरीके से भी आप कहते हैं कि ये शुभ होती है और जो भी है, लेकिन फूल तो बहुत ही प्यारा है। और अपराजिता को अपने गार्डन में जो बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसकी सॉइल जो है थोड़ी सी ऐसी बनाएं जिसमें अच्छे से पानी रहे, थोड़ी सी गार्डन सॉइल ज़्यादा रखें या फिर चिकनी मिट्टी काली मिट्टी, तो ये इसमें पानी इसकी कमी नहीं होनी चाहिए, तो फूलों का साइज छोटा हो जाता है। और धूप इसको 2-2.5 घंटे की धूप में आप रख सकते हैं, और अगर ये गार्डन में है या किसी पेड़ पर चढ़ी हुई है तो आप इसको पूरे दिन भी धूप मिलती रहे तो कोई बात नहीं है। तो अब इसके फूल खिलने शुरू हो गए हैं और ये बहुत, तो आप सभी इस खूबसूरत पौधे को लगाएं। और मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।